और एक पहाड़ तो खमडा खमडा तो एक नाम है वो परी रन छाए पैर रन छाए मन तो नहीं जाग रहा है पर पहला मर पूर्व जन दिया गुलो बंदा गुलो को ना गिना तेरे मेरी सासू बारू किया टापू गाड़ी सदनी गाड़ी कुछ रटा जोगी बहुत बड़ा मकान है तेरे देखो पर है लोग बाग छोड़ दिया देखो चौक घास नहीं एक गांव बहुत ज्यादा प्लान है कत्ते मकान खाल दिखे तो लोग बाग उन चढ़ के अरे भैया आते टाइम मतलब ना ना सलग नहीं तो भाई साहब तगड़े सबसे पहला आपसे तुम्हें तेरे प्यार भर नमस्कार उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ में से स्वागत है तगड़े आज फिर से एक नंबर लेके न गए मैं तगड़े आज फिर से एक हंगा में जाना तैयार गया मेरे और आज से मैं डो भर गाँव में जो कि कना खड़े खाल आस पास पड़ दिन कना खड़े खाल पड़ दिन देवी खेत और चो सड़क बीच में तो दगड़े छोटू से मार के चो और हमने जान मिले गांव में पैदल डोबर गांव में लगभग 2-3 किलोमीटर पैदल जाना दगड़े गांव में तो दगड़े काफ़ी मजा वाल साहब लोग होते भी ब्लॉग में और मित्र भी दगड़े तो दगड़े चल तुम सफर घर बटे मेरे गाँव तरफ अब तो दगड़े डोबर गांव मथे में पहुँच गया मैं और इचो गाँव आप लोग कहाँ छो गाँव तब में इचो गाँव कुछ मकान दिखे थे मन तो दगड़े उन्हें जानते हुए सबसे पहले वाला मकान दिखे आप लोग गाँव का और इचो सबसे फर्स्ट वाला मकान गाँव जान छाए मकान तरफ घर में कुरा दिखला और एकदम छन्नी चिया देखो यहाँ से छन्नी और मत कदुला घुल चियो और घर ही घर चार खूबसूरत घर और भरम के दिखाने नीचे यार काम के रहा जय वास है और कुछ मकान छन ऊपर भी जान में अभी तो गाँव की वहाँ जगह पर नहीं गया अम्मी और जा नजा बकर बहुत ज्यादा और छन्नी ची गाँव और ना लोग बाग दिखाने से घर चिकम एक तो बात करता नहीं होता और ये मकान मत भी काफी खूबसूरत देखो बहुत खूबसूरत बात कर देने गड़े नमस्कार पूरी नमस्कार आप शुभ नाम क्या है कलावती देवी मैथ क्या जगह झटरी झटर गाँव है डाड़ा मंडी साइड जान भी छा मैथ वगैरह जन पूजा ब्याह हूँ ना जाने लगे अच्छा ये घर में करोना पता कोई ना मैं अकेला अकेला इन बताओ गाँव में जनसंख्या कच वर्तमान टाइम पहले तो छह भाई भाई 206 आप तो मकान ये तरफ चल दें और एक घास हुई यार बहुत ज्यादा शायद लोग बाहर चल गए मे जान मे मकान दिखान छो मी और झाड़ी बहुत ज्यादा हुई देखो पुराना मकान च और देखो ताल लगे जंग को ख्याल ताल अंत और मत भी देखो ताल लगे और मकान बहुत बड़े जिन आधे कम फैलो दगड़े मकान कम यू भी चम्मत थी जान छाए समड़े और काफी खूबसूरत मकान थे यार देखो और भर में कोई नहीं दिखे होने यार ताल लगे देखो कमरों पर दर्ज ऊपर ये पर रौचिंग तो हमके पता गई यार देखो बहुत अच्छे मकान थे खूबसूरत शायद कहाँ पर जेब वाली के पता देखो ताल लगे और चापात से निकम भैरम लोग रोन सा पर तो काम के रहा अब तो ये साइड को नहीं गया मैं गाँव का और एक मकान दिखा एक कम तो जान जाओ तो इस ना तो मकान काफ़ी अच्छा लगा यार मैं हिसाब से बहुत अच्छे मकान से दिख लग घर कुछ और बूढ़े जी बैठे से मकान जाओ कितने खूबसूरत यार बहुत देख सकन चाह और एक मैं छोटू से भाई चे क्या करने चाह हैं क्या नाम चाह पर क्या है क्या है नमस्कार पूरी आप शुभ नाम क्या है सरस्वती मैथ क्या जगह डाबर डाबर तिमरी तौल है कोरोना पर आप मैं दे मैं नाम अच्छा जन हो तमी देव खेत कोरोना पर घर में छोटी बुआ ड्रम दी छोटी पांच ना मेरा बुआ ड्रम मेरे चार पांच बच्चा मैं आठ फर्द बाहर ना अच्छा उन का प्रॉपर मकान से ये पूरा तय बात जब तक भाई स्कूल उन तब तो हमने क्या उन दोनों तक आए गाने जान में तब वो कर भार रो निरो में पर अब तकलीफ में तब तब अब देखो मैं अब यार ये पांच पर दर्द ना अच्छा दिक्कत जहाँ हाँ करने दिन है गंजीरा तो आप तो मतलब गांव कुछ पुरानी चीज याद आने से पहले है पहले क्या याद है मतलब कुछ मतलब
अब खेत करे अंधाप से बांध पुंगड़ सन पुला अच्छा बात तेरा सिर्फ तापे ना घुंडी को दमी सन पील पर बात ना दगड़ मत दब जाए अच्छा गोड़ में छह जन है दूध दिया ले हाँ हाँ कतु दूध जन अच्छा दूध काफी है जाले ना अब जर जर देना सन बंदे में ये नहीं दिया दगड़े मकान तेरा पे गया मम्मी और जान छह मकान तेरा पुन तो देख ला घर में कुछ मकान जाओ कि ना खूबसूरत यार बहुत खूबसूरत तो गेट खुल पड़ा नहीं तो भीतर जाना को ना तो खुल गेट था और देखो मकान बहुत खूबसूरत यार देख ला घर में कुछ और घर में लगन यार क्यों यार सब जगह की जय छिन्ह पलायन घोरी है नहीं भीतर बैठे ताल लगी देख लाओ तो शायद सर रोनी है बक्यू यार पलायन घोरिए लगन पर मकान बहुत खूबसूरत यार देखो अब दगड़े को जान भी सीढ़ नुब्बो एक मकान है को नुब्बो बिच और मौसम देखो खूब मौसम है जन कच्चे कच्चे हर गांव में मौसम दिखे जी ना और एकदम बोड़ी जी बैठे सन जाखो चौको और यूँ घर हुए जाखो कि ना घर खूबसूरत घर पुराना मकान है और पन्ने में वही तो बात कर दें इधर और एकदम बम्बू डाल जी नमस्कार बूढ़ी आपका शुभ नाम क्या है मेरा नाम संगीता देवी संगीता देवी मैं कैसे का चाहता कोटदार जान भी छा कोटदार हो गया अच्छा तो मतलब आप बता घर में कुरानी का घर बस दी रे नाम बुड़ बुड़े दी बाकी लॉर्ड वाले बाय को देखो सब बच्चा उन दे हैं आप दिन लेकिन उन दो कहीं बुरे चाहे पर हम घर ही बुरे ना अच्छा आई बुआ नहीं काम जब बुआ रहे तब जोला अच्छा बुआ नहीं कर रहे बुआ नहीं कर अच्छा ढूंढ रहे लड़की वगैरह है हां ढूंढने सारे अच्छा के पल्ली से ना पक है मारे पांच छह गोर छिन पांच छह गोर है दो दिन न सो हां कोई भी दिन कोई का भी दिन छ का भी दिन अच्छा ए रटम का दो दिन छ तू अभी ठीक है तू एक ही क्योंकि पहले भैंस वगैरह पहले कोई है ना ना भैंस नहीं अच्छा भैंस नहीं ना अच्छा बेचन भी चाहते हो जगह है हाँ बेच साकर वगैरह हाँ अच्छा ताऊ जी का की ताऊ जी यहाँ से ना काम पर है गांव में कल लग दो ना आप तो एक में ठीक लग अच्छा लग अच्छा अच्छा लग दो पहाड़ी में अच्छा लग दगड़े ये बात जगह पे नहीं गया मम्मी और कुछ घोरी तरह बेचन जान चाहे ना धीरे धीरे कोरे का और देखो पुराना मकान छे खूबसूरत देखो यार और एक मकान है बिच तो लोग बाहर दिखाने से बाहर पे ना और एक में बोड़ी जी खेने से नगने अलग अलग है खूब जाखो फूल है जुनियो पर और एक इसको सला गुल जी जाखो बहुत ज्यादा फैली आयो इसको सदा आने दिखेने से पर और बात कर दम बोड़ी जी गाड़ी घर हो नमस्कार बोड़ी नमस्कार आपका शुभ नाम क्या है मेरा नाम गुड्डी देवी गुड्डी देवी मैं आज कैसे कहा पाठ पाठ के तरफ है ओ फंडा खड़ी छाड़ सरोव गाँव खड़ी जान बिछाओ को हाँ जान बिछा घर में कोई नहीं रोंदा भुकवे कोई नहीं रोने को ना कगी ना चल गई ना पाप कौन सो भी जानवर डर पलायन कर गए ना भैया वैसा एक को रंग करो ये भाई ये काम है छा पाप बूढ़ बूढ़ा लौड़वाल लौड़वाल कोई कोड़ा आछे ना कुछ लो देना छे ना ये रिस्क है अच्छा आप ने क्या होता गाड़े अब होता गाड़े आप जो लो बुना छे जिन पर तब नाम बूढ़े हो को लोग अच्छा कि घर में रहो घर में रहो ना घर में बड़े अच्छे हां ये चीज मतलब पुराने लोग थे ना बड़े थे ये चीज तो मतलब छोड़नी है ना छोड़नी आनी छे हां अब बुना छे छिन लोड़ हाँ कि चलो चलो तो जब तक हमन वाल जरा हाँ इन्हें हमने जैसे हो जाता है तक रेलवे ला तभी तो पूर्व जो कुछ हुआ मन करने चुन तो चल जो है हाँ नहीं हो चुन मन करने अच्छा अब खूब डाल लगे सिर्फ मैं मौसम के रहा इसको से लगे हैं चुन बंद रोको देखो तुम तभी ये बैठा कुम खाना के भी नहीं पके सा लगे चुन इसको से गिरा जरा जरा लगे हैं चुन बांदर ने रखना चुन भाई बांदर सुंगुर लगा सोल लगा सो ढाणी जानवर ही जानवर दगड़े बेहतर भगन है और एक मकान है काफी खूबसूरत दिखण में जाको और चौक च और एकम देखो बाड़ा जी और बूढ़ी जी बैठे छन महरम और मकान जा बहुत खूबसूरत है यार मत ग्रिल लगाई छन और काफी अच्छा छो मकान नमस्कार बाड़ा जी नमस्कार जी नमस्कार आपका शुभ नाम क्या है रमेश चंद्र डोबरिया रमेश चंद्र डोबरिया घर में कहते हैं ना आपका घर पर ठीक लड़का तो मेरा ड्राइवर अच्छा ड्राइवर च क्या नाम है लड़का दुष्यंत गाड़ी चलना हाँ गाड़ी कोर कर देंगे और दो एक लड़का फरीदाबाद से मेरा और एक लड़का मेरा देहरादून से हिमाचल काफी प्यारी जगह जो अभी है हिमाचल बहुत बड़ी जगह अच्छा उम्र का दुखा है आप उम्र हो गया मेरी 75 75 है अब टाइम काम हुन्छ खेती बाड़ी कुछ है अब तो नहीं बांध रहा रखा मैं पहल हुन्छ पहल वो खूब फसल हुन्छ पुराने दिन याद आउँछ सिंह हां बहुत 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 पुराने दिन तो बहुत बढ़िया याद है वापस सालों के दिन है वापस है सब बहुत असंभव जब क्या मुश्किल से अब किले की आजकल बच्चा नहीं जानना ये चीज तो जैसा हम जानो तो है यार अब बच्चा को नहीं जान पे जान उन्हें सुरबाने की बल जोतने की
और अब हम तो सब चीज जानवा भी लेकिन अब बच्चा तक कहता रुचि नहीं। अब बच्चा कोई भैर छन कोई कक्की छन अब कोई एक जो ड्राइवर तो शाम आना है 8-9 बजे तक बुढ़ गाँव आता तब खाने की टाइम पर फिर सुबह 6 बजे चल जाऊंगा बात करता है ना। नमस्कार बूढ़ी वो सुनते कम सुनता नहीं कम दूर कम सुन आप कुछ और बताना चाहिए क्या ठीक है मतलब गांव बार में कुछ हाँ गांव तो ठीक है हमारा बढ़िया चाहे पर ये बारे में हमारा गांव बहुत बड़ा छो अभी तुम देखो बहुत बड़ा गांव छो लेकिन ये बार सब भर जाए लोग भैर मकान सन लोग गाँव में मकान सन पलायन बहुत पलायन हो गया लेकिन एक तो बहुत परिवार था लेकिन ये बार 40 परिवार थे नहीं अब चाहे दुई बूढ़ बुढ़े छन पर मौजूद छे सो गांव स्थिति नहीं हुई आज के टाइम में सबों की स्थिति हुई हमारे मतलब पौड़ी गढ़वाल में ज्यादा हुई बात से अरे एक तो जानवर नहीं ना छोड़नी फसल नहीं धर्म तो बूढ़ उनके दिक्कत है सब कुछ सब चीज है। अब दगड़े उबे वाल मकान सामने पहुंच गयो मैं और कितना खूबसूरत मकान देखो यार और ये अपने लोग बाहर चल गए साफ पता चल जाओ दर्ज पता लगे और चौक घास जमी बहुत ज्यादा तो देखो यहाँ पे ताल लगे दर्ज पर देखो जंग ख्याल ताल ने बहुत भयंकर वाल जंग और बड़ी वाल जगह अपने गया मम्मी और सब सब वाल मकान से गाँव के और फूल जा कितना अच्छे फूल लगी थी खुश बहन बहुत अच्छे तरीका से और मकान दिखाना आप लोगों जी नमस्कार नमस्कार ठीक ठाक छ आपका नाम क्या शुभ नाम मेरा नाम संतराम संतराम हाँ जी घर में रहा गढ़ में घर में बूढ़ बूढ़ा था हम अच्छा हर बुहार था हमारे बुहार लड़का खत्म हो गया ना मेरा अच्छा बुहार कहाँ से कहाँ बुहार कहाँ से कहाँ बुहार क्या गाँव डाबरे संतोषी आपकी उम्र का दुखा है अभी मेरी उम्र 97 97 बहुत ज्यादा उम्र अच्छा क्या में करते नौकरी करते गिरफ में फौज में फौज में अच्छा बहुत बढ़िया है आप घर देखो घर और काफी खूबसूरत घर और बोड़ी जी भी भीतर नमस्कार बोड़ी ठीक ठाक था बोले कुछ नहीं पोस रहे थे बीमार वाली कुछ घर बार तो कड़े एक पन भी सुनो जानते फिर आप लोग दिखान छो मकान तो जाके ना खूबसूरत मकान छन गाँव में जाको देखो बहुत खूबसूरत मकान छो और कहीं एक कुत्ता बिच तो ये मकान तरफ चलता ना ये तभी दिख रहा आप लोग होता और एकदम जाओ गेट लगे और एकदम सहायक से कोई नहीं दिखा घर पर और काफ़ी खूबसूरत मकान जी है अब दगड़े एक मिन आनंद मी और एक मकान दिखाने खूबसूरत एकदम सामने जाकर बहुत अच्छा मकान चाहिए यार एकदम बुढ़े जी छिन भैर में इधर बात करो उनमें और जाकर मकान कितना खूबसूरत यार बहुत खूबसूरत तो जान छह बात करने को नमस्कार बूढ़ी भगवान धन्यवाद आपका शुभ नाम क्या है गोमती देवी मैच कह जगह मैच बेटा वो मथर बिरमल मथर है रोहन भी चुकी आपक है भूली मेरी जान भी छा मिलना को बेटा कर के जान बुढ़े लोग नहीं जा सकते चढ़ाई नहीं चढ़ सकते पर आठ छोड़ने को तैयार है ना कत साल हो गया नहीं हो गया बोलो बस 81 होने लग गया 81 घर में रहता घर में हूँ आस वाल बाबा अरे बाबा कोई नहीं राखी ला रोमी अब मैं तो नवंबर में हो मेरा बच्चा भेज रहे दिल्ली आप भी भेज रहा कुछ दिन पहले हाँ घर में कहा लगन बेटा घर में तो अच्छा लगन बड़ा केला केला भी तो बोर हो जाना अच्छा अब खेती बाड़ी करी पहले गाँव बाबा पहले तो बहुत खेत पाते गाय भैंस खेती बाड़ी तब बहुत सालों से छोड़ दिया 28 साल तो छोड़ दिया है मन नहीं कर दूं तो पर कर ला खेती बाड़ी फिर से कर ला अरे बेटा अकेला कैसे करेंगे सब लोग कर खेत बाड़ते तब जाओ अकेला अकेला तब क्या गो भैंस बल्द नहीं लोगो को लोग मेरा दूर पढ़ना जान अच्छा की जान अब जगह पढ़ी कहा पढ़ो रे बेटा पुराने जमाना मार जमाना में स्कूल तोड़ चाहे कुछ घर तक बिछे ना आप लोग दिखा कुछ और घर में तो जाकर मकान टूट गया और बता लगे जाको और एक मकान ना बिच काफी खूबसूरत बड़ू ये लोग बाहर रोने साफ पता चल छोड़ के चल गए और एक नए मकान बड़ो शायद अगर नहीं और ये मकान बहुत खूबसूरत है पुराना मकान लोग बाग चल गए छोड़ी देखो एकदम तार लगी छे ना और नए मकान बढ़ने हर गाँव बीच देखो इतना अच्छा मकान बढ़ लियो ओ मेरी माटी ओ मेरु पानी हे माँ
धार पानी की छलार अब तो खड़े इमारत जगह अपन पहुंच गए मम्मी और कितने खूबसूरत मकान थी खड़े घूम जाओ एक यार बहुत खूबसूरत मकान तो जान चाहे और कुछ घोरे तरह बिचन अगने तो जाखो कितना खूबसूरत मकान थी खड़े ये कहें और एकदम कुछ लोग बैठे से जाखो इधर बात कर दो मम्मी नमस्कार बोड़ी आपका शुभ नाम क्या पीतांबर देवी मैं कह जगह पैभक देव की तमुड़ी है वे साइड थो नाम अनिल पबे काका सा मन्नु सा मन्नु दा जड़ हुन्छौ तमी लब लब है ना लब लब छ मन्नु दा छा मान्य दादा लड़ीको है अनिल उम्र का दुखा है आप 85 साल काफी ज्यादा साल हो गया घर में करो दगड़ में ये ना लड़की लड़के ना दिन ना रहना ना अच्छा तीन लड़की को छोटक छ ना आ तीन ही बड़क छन दी बेटा रे लड़की बड़क छ आ तीन लड़की लड़की छोटक छन जी मत मकान अच्छा आप तो मतलब कुछ पुरानी चीज याद भी छन गांव के बथे जाओ हम तो गांव खारियो जो मैं बोल छ हां बथे जाओ मजाक उड़े दे आले हमार गांव की स्थिति ये छे हां के हमार गांव छ पंडबों की पंडबों घड़ियाल बोल छ मनानपुर छ और भैरव बाबा बड़ी मेहर बहन छ हमार कुलदीप दादा भैरवनाथ अपने कुलदीप दादा भैरवनाथ सुनी था हाँ हाँ आ तब इन छ कि दीदा हम तीन दिन बैठे संग्रांत बुदाम अषाढ़ महीना जाना सोना महीना लगे वे दिन हम मतलब यह छ कि हर साल सैक दिन भैरव ठाकुर जी पूजा करते हैं दूसरी इन छे कि सारा गाँव में केयर बांधे हमारे गाँव में कोई चीज नहीं आन चाहे जानवर मजे हमारी इष्ट देवता जी तुम मेर बहन कि मतलब हम निर्भय हो रहा आज लुकुन केयर बांधन भी छोड़ आए आप एक बोनो हम छिटबल में पूजूला आई बोनो मैं भी अभी पूजूलू और जति मुख तति बात कह कुन बोन नहीं और हम तो ये चीज पर आते जो पूर्व जन कर हमारे हिसाब से चलन हमारे गाँव ठीक ही रहा गलत बोलो छो सही बात हमारे जन बाप दादा बेटे खानदान बेटे ना हमारे पितर जनकर बुजुर्ग जनकर वे हिसाब से कर न पर आजकल नहीं गए कि बंडी बैठ चलिए लोग अब जो घर छन भी तो रण कन के तो डाल हूं जा खोज अब मन कर दूं भैर में जाओ ना मैं तो घर खूब मन में आलो दो दिन बगत हरदार गयो हूं फरदाबाद गयो हूं ना मकान कुछ गाँव अब मकान कुवाल से मकान चट्टा लगी चाहिए आजकल तो मतलब जगह हम पंडव मनान लगे ना मिल बड़े गोर बन जाए अब देखो उन दुपहर आएगी मम्मी और जाके ना खूबसूरत मकान से देखो हर वो दिखान छो ने बटेक जाके ना खूबसूरत मकान यार बड़ू मकान बहुत ज्यादा एक मकान ये साइड भी खूबसूरत चीज हुई दिखान छो लोग तक नहीं जाएगा ना और एकदम जाके हल्ला करता रही चल जाना को और कितना खूबसूरत मकान यार बहुत ज्यादा खूबसूरत यार और कोई रौनक नहीं रौनक पता यार भीतर आ सा खाना कहू थोड़ी मकान काफी खूबसूरत है यार थोड़े साढ़े कुछ ना कुछ घर बारे तेरा बिचन और एकदम लौट सुन जाको नाम क्या जा पा नाम क्या से चांदनी क्या क्लास में पढ़ता फोर्थ आप मेरा नाम है भुवनेश मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ मेरा नाम भुवनेश खंडवाल अच्छा बढ़िया इन आजान में लड़के ना खूबसूरत घर से जाको और एकदम बोड़ी जी सुन बैठे और एकदम तिबर से जाको नमस्कार बोड़ी नमस्कार आपका शुभ नाम क्या मेरा नाम देवेश्वर
देवी श्री देवी मैं कैसे कर ये मैं तीता जाति में डबरा था नौ बड़े नहीं है को नौ बड़े नौ बड़े तैयार का हाँ मैं नौ बड़ी छू अरे एक माथे नहीं और राजा से फूक मैं ससुराल थे 10 महीने अच्छा 10 महीने अब एक माँ बाप घर जाए अंदर भी हाथ टूटे आँख ना तो कहीं अंदर पर घर से हाँ तो क्या टूट बुने सो साने मारी है मौ अमर गांव में जो साने गांव में जो साने गांव में लम दौरा आई और मेरा सान छन भीतर गया वो सान तो मरा माते सान बच्चे तुम घर का तो लो जुड़ा पर सान बच जा अब ये मी बटियों ने सर खा दी फिक्चर कहीं आया तो रूम आंधी में आंधी लो आई है ये पट्टी कहीं ये मैं ना हूँ काफी दिक्कत है दिक्कत क्या की मैं तो कखी जो निकाली हूँ गोरूर भी सुन पाली कुछ है हाँ दर्शन गोर माँ बैठ घर आई ओ तो कुछ देखो ना बैठ गए माँ एक अच्छा एक माँ है ये लड़का का ये हाँ ये लड़का का माँ है तो ये पिता मैंने खत्म चार साल तक पिटन में पाँव मचा था अच्छा अरे एक 11 में चक्की में पढ़ रही हूँ पढ़ रखा हूँ ना तू मैं आ लगे 5 साल ले गया से कलोड़ चक्की जरूर पढ़ना को अच्छा देव के तो जान छाए तो अपनी जरूर देव के अब नहीं जाना इस चक्की में जाना बंद रही है ले थोड़ा रोड जाना ना अच्छा एक तो घास चकन का उकाल भी गया अच्छा तो चलो इन आदर अब जान में यह हो गया हाँ तो दगड़े ना भी एक घर आप दिखा कितना खूबसूरत घर दिया यार बहुत घर तो कुछ घर हम दिख ला और एकदम ताऊ जी संजा को नमस्कार ताऊ जी नमस्कार नमस्कार आप सब नाम क्या है मेरा नाम सतीश चंद्र जी अच्छा घर हम करौंदा गढ़ में घर हम कोई नहीं और दुई बोर बड़े छ दुई है लोड़वाल एक लड़का छ देहरादून से देहरादून है आप जॉब करते हैं कुछ इसमें पहले जॉब क्या करते हैं तनि प्राइवेट कुछ है अब टाइम है खेती बाड़ी होने वाले हाँ खेती बाड़ी तो करनी मतलब थोड़ा पहले अब तो क्या अब सब खत्म है खत्म क्या बांधर पहले भी तो गुण बांधर थे चाहे अरे आप तो बिल्कुल इना है चंगे भीतर भीतर जाना है चंग परेशान करने मानो को नहीं जाना हमें यार तो कुछ इधर तेरे प्रॉब्लम से हाँ प्रॉब्लम से हाँ चंद दिन से चक्कर से नहीं पड़ तो कोई अच्छा फैसिलिटी छानी है घर हल कर गया आप आने से छागा की जाई छनो हाँ वो ढाकरी कौन जाए जाने तो दगड़े गांव वाल में तैयार करो निकम और गीत वगैरह गाना है तो नाम मुंह पूछता ना बोली नमस्कार आप सुन नाम क्या है मैं नाम चंपा देवी चंपा देवी मैं कहां से कहता आप मैं हड़े हड़े ये पढ़ दो शायद 10 मिनट तो ना जान में छ मैच वगैरह जान छ मैं अच्छा गीत गाना ना आप लोग हां थोड़ा बोल दान छ हां तो कुछ और बुन जाना छ हां बुन जान छ बोलो सबसे पहले हमर गांव नाम तो ग्राम डोब है डोबर ग्राम हमार भैरव बाबा का मंदिर छ प्राचीन काल वो हमारे इष्ट देवता छ और बता हमारे एक पहाड़ छ खमडा खमडल तो एक नाम है वो परिरन छाए पैरन छाए मन तो नहीं जागर है पर पहले हमार पूर्व जन दे अक्सर परिरन छाओ को सम्मान दिन छाओ वो को दिए बत्ती कर आन छा लोग तो वो सम्मान धर दिन छाओ को फिर एक हिलोगी लोग छ ना उन झूठ बांध देर दिन को कोई बड़ी बंद कर दे पर कहता नहीं दिखाया सिर्फ पहले लोग तो दिखान चाहे और हमारे घर में नया दी बच्चे छन एक लड़की तो एक लड़का लड़की मेर हॉस्पिटल रहन दे दून दून हॉस्पिटल लड़का मैं उन्हें प्राइवेट नौकर तो मालूम काम कर दो मेर दी नातन लड़की छन एक नातन लड़का छ बुढ़ बड़े हम घर में छाए देख लो हमारे कोई हाँ बात हुई पहले मेर जाकर मकान काफी खूबसूरत बड़ू मकान तो गीत वगैरह गला आप लोग वगैरह भी आन चले वै थोड़ा बोंदा है हो डांडनी बदले काटनी बदले मन की बदले गे उत्तराखंड भूमि मां सभी बसी गे हो डांडनी बदले काटनी बदले मन की बदले गे उत्तराखंड भूमि मां सभी बसी गे उत्तराखंड भूमि हमारी प्राणों से प्यारी हरी हरी दारे एक बदीरी के दारी गंगा जी को पानी यक सबको पाप दुलेगे उत्तराखंड भूमि माँ सभी बसीगे हरी भरी डांडी एक हरी भरी सारी बंज बुरा से यक कुले पया डाली बुरा सक फूल यक कने खिलने छी उत्तराखंड भूमि मां सभी बस्या छी
हो रामी बोराणी यक तिल रो तेली मठ चिनी यक यक देव की भूमि हब की बोराणी ते देखो ये कतन शिवा लगन छी उत्तराखंड भूमि मां सभी बसा छी बंदा गुरु पंख नगीना ते मेरी सासु बारी की अगीना गाड़ो गुलो बंदा गुरु पंख नगीना ते मेरी सासु बारी की अगीना सासु बैठी रहंदी जाग दिवाए मां सासु बैठी रहंदी जाग दिवाए मां रोटी मीते दीदी गारी माँ रोटी मीते दीदी रुणा की गारी माँ गड़ गुरु बंदा गुरु बंदीना रे मेरी सासु बारी अगीना ते मेरी सासु बारी अगीना नी तेरी मेरी सासु दिन रात झगड़ा नी तेरी मेरी सासु दिन रात झगड़ा अकेला पांगियो मामा रूल रगड़ा अकेला पांगियो मामा रूल रगड़ा ससुर जी बचारा ले बैठी लगी बरमा ससुर बैठी राली बैठी लगी बरमा अरे सच की कदम खान क्या जगी रसी माँ अरे सच की कदम खान क्या जगी रसी माँ तेरी मेरी सासु दिन रात जगड़ा अकेला होड़ो मामा रूल रगड़ा अरे सासु लंबी जाई चून की टुपरियो माँ सासु लंबी जाई चून की टुपरियो माँ अरे कीड़ी बोड़ी देने सासु की घुपरी माँ कीड़ा बोड़ी देने सासु की घुपरी माँ पानी बांध की जड़ूंगे लटनो पानी बांध की जड़ूंगे लटनो पानी तमले टबोरेंगे लटनो पानी तमले टबोरेंगे लटनो पानी तमले टरे गए लटनो पानी तमले टरे गए लटनो पानी सी पायो ते गारे लटंडो पानी सी पायो को गारे लटंडो पानी का गरे बोरी के लटंडो पानी का गरे बोरी के लटंडो पानी का गरे रे जाए लटंडो पानी का गरे रे जाए लटंडो पानी लुवारु के गारे लटंडो पानी लुवारु के गारे लटंडो पानी बांध की जड़ों के लटंडो पानी बांध की जड़ों के लटंडो पानी का सेरी भोरी के लटंडो पानी का सेरी भोरी के लटंडो पानी का सेरी रे जाए लटंडो पानी का सेरी रे जाए लटंडो पानी दुकानो के गारे लटंडो पानी दुकान के गारे लटंडो पानी तमले टबोरी के लटंडो पानी तमले टबोरी सब ते अपरी अपरी लगी चा हर बुढ़ बुढ़ को कोई नी सुचुदा अब ते भजन गाड़ी में घुमदाना हर एक खुट मां कांड चुबीदाना हो सब ते अपरी अपरी लगी चा बुढ़ बुढ़ ते कोई नी पुछुदा अब तो भजन जर जटकी साड़ी पहना छीना
यक हम कुण खदर बिनीचा हो सब ते अपरी अपरी लगी चा अरे बुड बुड ते कोई नी पूछूदा अपत भगन आटक टंकी भुरिया छीना अरे एक मुसमन को दानी बिनीचा हो सब ते अपरी अपरी लगी चा हो बुड बुडों ते कोई नी पूछूदा टापू गाड़ी सादा नी गाड़ी कुछ रटा जोगी मिनी आज त्याखे नी कैरी नारिया किली दाने बोली परी बाती सारून खाने बता बोराणी क्या त्यारू नोची अरे बता बोराणी कक त्यार गोचे सेटू की बारी चौरा मीनोची रोता की बेटी चौपाली गोचे बाटा पू गाड़ी सादानी गाड़ी कुछ रटा साधु मिनी आज गाखे जीटा को मीना माँ आई आंदी नरबैगी जोगी पूछी की क्या पांदी नी कैरे नारिया किली दाने बोली पारी बाती सारून खाने जीटा को मीना दूफर गामे ऐजा बोराणी छातीर छेले नाके ना तुली पीताली फूली छेलू बेटाली तेरी दीद भूली बाटा पू गाड़ी सादानी ग्वाडे कुछ रटा साधु मिनी आज जाखे चल बोराणी तू घर जागी जोगी ते भूख ची रोट पका दी सासूला गांधी रामिता देई ऐजा दी रामी तू घर आदी जोगी आयो ची आमार गारे भूख प्यास चे बैठू चारे बता बोराणी क्या त्यारू नोची बता बोराणी कक त्यार गोचे रामी बोल दीनी पकंद रोटी जोगी ने जाई में गाली खोटी बता बोराणी क्या त्यारू नोची बता बोराणी कक त्यार गोचे सासु को बोल दू जोगी आंदूची रामी के गारे बोलने लग्यों कक त्यार जेठे ससरा जी मारी बैकुंठ गिने सासू जी मेरी गरीब रहाई स्वामी जी मारी परदेस गिने बरबरस बाटी वो घर ऐने हर खांदू छी जोगी तू माल पाते हर नी खांदू जोगी तू रस्त लागे दे दे दी रामी समिताली बाते चाबी को चुमा स्वामी के पासे जोगी बोल दू नी चाऊ माता तू मारू जायो बर बरस बाटी मी घर आयो दगड़े पूर्ण में देखो क्वाद भी गांव वालों को और बहुत अच्छे लगो यार पूर्ण में देखो क्वाद बोलो तो कितना अच्छा लगो पूरा पूर्ण भी यार देख सकें जाव लो तो मकान तेरा चल तुम दोनों ये तभी दिखाने बहुत बड़ा मकान लगो यार पुराना मकान जी फतरा तो चल जा और एक मुआर से जा ये फोटो तू शायद आ रही फोटो को तो मकान दिखाना लोग तभी बहुत बड़ा मकान जाए दगड़े देखो
पर है लोग वाग छोड़ दिया जाको चौक घास भयंकर वाल यार उधर से ताल लगी ये समझ आ लो जंगल ख्याल ताल है ना और मकान बहुत खूबसूरत ज्यादा बड़े पर लोग छोड़ दिया यार पलायन हो गए रह जाए दगड़े मकान तरह चल देना अम्मी और एकम जा एकम भी थन मुहार क्योंकि पुरुष शायद हाल बहुत जा मुहार थे निकम मकान दिखाना लोग अम्मी यार कि ना खूबसूरत मकान चे यार बड़ो मकान तो घर में कोई हाल दिखला यार और दर्ज बताल लग रही यार घर में नहीं सह सकी कि पलायन कर दिया लोग अम्मी तो ये तरफ दर्ज बंद थे ना ताल लग जाओ लोग भाग छोड़ दिया शायद ये भी बहुत बड़ो मकान जा खूबसूरत मकान और फोन में देखो दाल भी बहुत ज्यादा और आलू भी बीच है अब तो जगह पर नहीं गया और एक भी काफी अच्छा अच्छे मकान दिखा खूबसूरत मिलता तो जाके ना अच्छा मकान जी तरफ और जान मुड़ी बन और एक लग लगे जन बहुत ज्यादा और एक दाल भी और घर जाके ना अच्छा खूबसूरत यार और एक बूढ़ी जी नमस्कार बूढ़ी नमस्कार आपका शुभ नाम क्या है परिवार बहुत साल बैठे गयो अब परिवार कुछ हमारे परिवार बिनाल सिंह रावत और कोरोना पता गांव गांव में कोई भी नहीं बस अकेला अकेला है उन्दनी क्या है उन्दनी क्या अब तो बड़े हिमाचल जगह पहुंच गए और एकम जाके ना खूबसूरत मकान चाहिए कहा यार बहुत मकान यार तो कहा बहुत सारा अच्छे मकान दिखाने से मिलते तो जान चाहे तेरा चौका सा बड़ी एकम बैठी थी भैरम बोड़ी और मकान तो बहुत खूबसूरत चीज है जान जाए ना और एक मौसम लगे कच्चे कच्चे जाओ नमस्कार बोड़ी नमस्कार बाबा आपका शुभ नाम क्या है दर्शन देव मैं चौसैन गर्म करो ना पता गर्म बस लड़की रोंदा लड़की पापा अच्छा तीन आदमी बस है लौड़वाल बाबा लौड़वाल भी लड़का वो करें एक हल्द्वानी रोंद एक पानी पत रोंद अच्छा आपने लेकिन उको ना बाबा अच्छा मन कौर से हम भी चलो पानी पत गए बाबा कल लगो कहे ठीक लगो बाबा ठीक घर से बढ़िया की बाबा के जान घर से तंत्र नहीं लगो ताकि अच्छा घर में क्या चीज ना पाली बाबा बस ये गौड़ बाची गौड़ बाची है आप कब पढ़े स्कूल है क्या जगह पढ़े बाबा स्कूल का क्यों नहीं पढ़ बाबा अच्छा पढ़ी नहीं आपन है पढ़ी नहीं बाबा सब पर टाइम पे पढ़े नहीं हुंची क्या बस अपन मां और घास काट हां बा कुछ नहीं को अच्छा पहला टाइम पे मतलब ब्याह वगैरह बहुत जल्दी जान जा अच्छी हां बाबा हां अब ब्याह मतलब 15 साल में गए 15 साल में ये काम का तो साल हो गए ना अब बाबा यार मुझे ये काम अब तो एक बन गए गाँव का और एक घर एक खूबसूरत घर से यार और छंडी पड़े एकदम जोर से जाको भैरव में और इंतजान में मकान से टूट गया जाको पुराना मकान से फतरा और एकदम मंदिर से जाको जय भैरव बाबा और एक घर के बीच ये भैरव सहस रोने की ना देखो घास जमी तार लगी ना भी तो ना दिखान में और आप लोग बड़ो मकान चे हारे पर लोग बाग नहीं छे गाय मतलब पलायन मार झिन बहुत ज्यादा देखा दर्ज पताल लग गयो अब एक पुन चलता दगड़ो कुछ घर बार एक पुन भी सुना लो दिखान से कुछ और घर में ते तरफ अगुन चल दन में और एकम जा बूढ़े जी छे घर हुई काफी फर्स्ट क्लास देखो खूबसूरत मकान नमस्कार बूढ़ी नमस्कार आपका शुभ नाम क्या है नाम तो बथे जाओ नाम क्या बताओ ना नाम तो सुशीला देवी अच्छा नाम ना मैं तो भावर भावर कोटदार है जान भी छाओ का गढ़वल से क्या तो हिंदी में बोलते ना हिंदी में पहले गढ़ोरी में छाए तब ब्याह तो तब चले आओ कद साल हो गया आप ब्याह ब्याह पचास से घर में करो घर में सोच है लोड़ बाव से उन्होंने क्या उन्होंने कर चाह के छेने तक कक जाने कुछ घर बार तक नहीं वाल जगह अपन बेचने आ रहे दिखान छो मैं जाए को ती मकान का अच्छा लगना छे यार मिता और लोग वहां छोड़ी चल गए साफ पता चल जाए दर्ज पर तार लगे और एकदम घास जमी
ये लोग पलायन कर गए ना, ये गाँव में बहुत ज्यादा लोग चल गए ना यार, बहुत मकान बंद खेण से ना, और एक मकान ये साइड भी चिकन घास जमी, ये लोग पलायन कर गए यार, मकान जाके ना फर्स्ट क्लास खूबसूरत बहुत बड़ो यार, लोग कर गए पलायन, देखो तार लगे दर्ज पर मकान के ना बड़ो चाह देखो बहुत बड़ो मकान यार। अब दगड़े इधर अब चल दिन में और फोन पर जाकर ज्यादा तोरी है यार, जाकर दाण भी है ये ना जाखो दाड़े गए ना और बहुत ज्यादा है तुरी तक ने चल दिन में कुछ घर मकान दिखाना हम लोग तो और ये लिंग जाखो कितना फर्स्ट क्लास है खूबसूरत तो कुछ घर मुड़े बन भी ना तक ने जान भी और मैं गाय दिखाऊँ माथी देख सको जाकर अच्छा दिखाऊँ यार एक दान भीतर में गेट खोल दें फिर हम भेजे थे ना। नमस्कार भाई जी। नमस्कार आप सब नाम क्या है? मेरा नाम शशि डोबरिया। शशि डोबरिया घर में करो ना पता माँ से भेज में चाहो काकी ना दिखने नहीं से माँ तो मेरे फिलहाल दी चार दिन से मेरा टाइम पास होगा ना कक बकर से ना अच्छा हाँ हाँ ये का गोर से बस चाय पीने को फिलहाल बात जी ये कहाँ बहुत ज्यादा प्लान है कत्ती मकान खाद खींचते लोग बाग उन चल के अरे भैया आते टाइम मतलब ना ना सल लगी भाई साहब शादी होनी दिल्ली न होनी तो दिल्ली नौकरी दरमियान से सब हरिद्वार चली कोई मतलब घर बड़ा कोई राज नहीं अच्छा अच्छा मकान थोड़ी से ना अरे भाई साहब क्यों बोलता हूँ बड़ बड़ मकान है बड़ बड़ की मतलब पूरा खर्चा को एक ना मानी मतलब हाँ तो आप दुगने होने के मतलब लोग उन चल गए नहीं अरे भाई साहब दुग तो क्या बनाओ दुग तो कहने उन पर क्या करे कभी जाना तैयार थे आप कभी मैं मस्त जान से भाई मस्त खा लें हाँ मस्त गाँव पूजे माँ आप लोग ताज में डोबर गाँव पे दिखा लो काफी प्यार गाँव लगे तगड़े में दो ये गाँव भी मतलब प्लान मार दिखा है बहुत ज्यादा यार लोग मतलब अच्छे खास मकान थोड़ी चे ना और उन्हें चल गए तो मतलब इन निकान चो गाँव में भी आने चो ना मतलब वो तो भी अच्छा लगा ले और गाँव वाले तो भी अच्छा लगा तो पर पैतरा गाँव तक भी नहीं छोड़ती इनमें हिसाब से और दगड़े अम्मी जानो छो एक है गाँव में तो रात में एक गाँव में दगड़े बिजोली गाँव में जानो छो बिजोली गाँव में यार निकाँ च तो बहुत टाइम बाद जानो छो दगड़े मतलब 10-12 साल लगे तो मतलब ये गाँव में मतलब कुछ जानकारी खास नहीं अभी पता तो जान छा तगड़े में भूल गया सब चीज तो तगड़े भाई मेरा तो खूब शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो तो तगड़े अभी चल दून छो बाय बाय।